सब्सक्राइब कीजिए QCL को बेहतरीन और निश्चित लाभ के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू QCL, इट्स मी बुशरा खान। आज 19th of September की करंट अफेयर में मैं आपका वेलकम करती हूँ। चलिए जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी हाल ही में USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा राज्य कौन बन गया है जिसने ई सिगरेट को बैन किया है? तो पहले तो ये जानेंगे ई सिगरेट क्या होता है। इसमें एक छोटी सी बैटरी यानी सेल लगता है, इसमें लिक्विड भरा होता है जो वो लिक्विड बाद में धुएं में कन्वर्ट हो जाता है और ये बहुत ही हार्मफुल होती है। और सिगरेट तो कोई भी हो हार्मफुल है, लेकिन ये नॉर्मल सिगरेट से भी ज़्यादा हार्मफुल है। और अभी जो दूसरा राज्य बना है वो बना है न्यूयॉर्क। कौन बना है? न्यूयॉर्क। अच्छा, दूसरा न्यूयॉर्क है तो पहला कौन सा था? मिशिगन। पहला मिशिगन, दूसरा न्यूयॉर्क बन गया है अमेरिका का। और लगभग इंडिया के भी सारे जितने भी अभी तक राज्य हैं, जैसे कि राजस्थान, केरला, उड़ीसा, नागालैंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लगभग लगभग सारे राज्यों ने ई सिगरेट को बैन कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ QCL को आप जब सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करवाएं भी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। और इसको लाइक ज़रूर करें हर एक, जिससे मुझे पता चले यस आई एम वर्किंग एंड यू ऑल आर गेटिंग। तो दैट्स वाई आप हर एक लाइक कीजिए और अच्छे से कमेंट सेंड कीजिए। कोई क्वेरी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय 5वां रामायण उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय 5वां रामायण उत्सव आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, और इसकी अध्यक्षता की है हमारे प्रेजेंट टाइम के होम मिनिस्टर अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, इसमें 17 देशों के कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी तीछी बिजली परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो तीछी बिजली परियोजना का शुभारंभ किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तो ये जो है इसका अरुणाचल प्रदेश में की कैपिटल क्या है? वहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसका उद्घाटन किया है। और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी ईटानगर। और इसके जो गवर्नर हैं उनके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है, रिवाइज़ कीजिए, कल परसों 3-4 दिन पहले ही बताया। ये 24 मेगावाट की परियोजना है और 430 करोड़ रुपए का इसमें लागत आई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हमारी भारतीय वायुसेना ने अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? तो इंडियन एयरफोर्स ने अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है अस्त्र मिसाइल का, और ये किया है उड़ीसा के तट से। किसने किया है? DRDO के है, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। और इसका मैं हमेशा वो बताती हूँ मोटो, मोटो क्या है? वलश्य मूल्य विज्ञानम या स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। इंग्लिश और संस्कृत दोनों में याद रखिए। अच्छा, इसके जो जी एस रेड्डी इसके अभी प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल यानी CEO है। ओके, तो ये अस्त्र मिसाइल जो है ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण इंडियन एयरफोर्स ने कर लिया है। अच्छा, कोकी रोबर्ट का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकी रोबर्ट का निधन हो गया, ये कौन थी? तो कोकी रोबर्ट का निधन हो गया और ये एक प्रतिष्ठित पत्रकार थी। इनको 3 बार एमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। 3 बार एमी पुरस्कार के लिए इनको नामित किया गया है, और इनके बारे में इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में अभी दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो श्रीलंका में, श्रीलंका के कोलंबो में। ये लोटस नाम है इस टावर का, ये दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर है। कौन सा? लोटस। इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल कोलंबो, एडमिनिस्ट्रेटिव श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे। रनिल विक्रमसिंघे इसके जो है प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्र इसके प्रेसिडेंट हैं। क्या नाम उनका? श्री मैत्रीपाला सिन्हा। ठीक, तो ये आप इसके बारे में याद रखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अभी कैंसर चिकित्सा के लिए एक किस राज्य सरकार ने अभी कैंसर चिकित्सा के लिए अभी समझौता किया है? तो केरला के साथ किया है मालदीव गवर्नमेंट ने।
सॉरी केरला ने किया है मालदीव गवर्नमेंट के साथ, किसके साथ, मालदीव के साथ, केरला केरला ने, ये केरला ने कैंसर की चिकित्सा के लिए मालदीव के साथ समझौता किया है। मालदीव की कैपिटल मैंने कल परसों ही बताई है, अभी भी माले और करेंसी मालदीवियन रुपया। इब्राहिम मोहम्मद सवाले इसके प्रेसिडेंट हैं और भारत और मालदीव के बीच बीच में पूछ लिया जाता है कि डिवाइडिंग चैनल कौन सा है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। इसको याद रख लीजिएगा, 8 डिग्री चैनल, कौन सा, 8 डिग्री चैनल, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फूल महोत्सव फ्लो यानी फूलों का महोत्सव कहाँ शुरू हो रहा है, दूसरा फूलों का महोत्सव ये शुरू हो रहा है ऊटी में। अच्छा, ऊटी में हो रहा है, ऊटी कहाँ है, ऊटी है तमिलनाडु में, यहाँ पे फूलों का, और यहाँ पे 2.5 लाख से भी ज़्यादा फूलों की वेराइटीज़ को प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, तो ये आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में अभी किस खिलाड़ी ने भारत के क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो दिनेश मोगिया ने, दिनेश मोगिया, इनकी लंबे समय से टीम में वापसी नहीं हो पा रही थी, अब इन्होंने कम्प्लीटली जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं क्रिकेट के सबसे संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में, हाँ यस, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, तो ये एक उत्तराखंड के किसानों के ऊपर बनी हुई फिल्म है, मोती बाग, मोती बाग, इसको याद रखिएगा, और इसको चयनित किया गया है अभी किसके लिए, इसको चयनित किया गया है अभी ऑस्कर पुरस्कार के लिए, तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक, ओके। और तो कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, देखिए तो आज के लिए आप इतना ही याद रखिए, इस वीडियो को देखिए, और कल की क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, और आज और एक दो वीडियोस भी मैं आप लोगों को सेंड करूँगी जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगी। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, and thanks for watching.